जैसा कि आपको गाइस पापा ने बताया था कि मेरे को टाइफाइड हो गया था। तो गाइस मुझे बहुत ही इनके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं छोटी आज मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। पहले मैं ठीक नहीं थी, पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जैसा कि आपको गाइस पापा ने बताया था कि मेरे को टाइफाइड हो गया था, तो फिर टाइफाइड जब हो गया था तब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी। और मेरे को बीच में जो है मतलब पहले जो है मुझे मतलब कि क्या कहते हैं बीच में एक दिन मुझे जो नीचे एक आंटी दिखी थी रात के 1 बजे वाइट साड़ी में नीचे। ये बहुत ज़्यादा आजकल मतलब बहुत ज़्यादा दिखा मेरे को। पापा बोलते फिर भूत दिखते हैं, भूत बुखार में भूत दिखते हैं भूत। मेरे को नहीं देखना भूत। मैं फिर जैसे पापा ने मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा भूत दिखते हैं मतलब बुखार में भूत दिख जाते हैं, तो फिर जब पापा ने मुझे ये बताया तो मैं इतनी ज़्यादा डर लगी थी कि मैं जो जाके सो गई। और फिर सो गई तब मेरे को ऐसा लगा परू में सो रखी थी, मतलब परू में ऐसा सो रखी थी साइड में। मैं मम्मी पापा वाले रूम में सो रखी थी शाम को 6 बजे मतलब 6 बजे की टाइम पर मैं सोने लग गई थी। तो फिर तब मैंने जो है ना देखा था कि मतलब देखा नहीं था, मैं अपना कंबल डाल रखा था मैंने, मतलब मैं सो नहीं रही थी, मैं सो नहीं रखी थी। तब जो है वो जो है मतलब परू के कान में कोई ऐसे मतलब ऐसे कोई बोल रहा था और ऐसे मतलब फुसफुस आ रहा था कोई कान में, और फिर वो मतलब कि ऐसे। तो फिर परू फिर उठ कर रोने लग गई पता नहीं कैसे, पर ये मेरे को पर मैं उठी भी थी तब, मुझे इतना पता है मैं फ़ोन देख रही थी, मतलब मैंने कभी सपने में फ़ोन देखा है तो मेरी तब नींद खुल जाती है। तो मेरे सपने में मैं फ़ोन जब भी देखा मेरी नींद खुल जाती है, पर मेरी नींद खुली हुई थी जो कि मैं सो के उठ गई थी 6 बजे। मैं सो नहीं रही थी मतलब सो के उठ गई थी मैं 6 बजे। तो फिर तब मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने अपना वो ऊपर ही नहीं करी, मतलब चादर मैंने अपने मुँह के ऊपर रखी हुई थी। मैंने थोड़ा सा छोटा सा मतलब थोड़ा सा ऊपर करा था तब, ताकि मेरे को हवा आए अंदर सांस आती रहे, ताकि मैं मरूँ ना सांस के बिना। तो फिर जब मेरे को सांस आ रही थी फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं उसे, मैं जब वहाँ पे मतलब गई थी जब मैंने उठ के देखा मम्मी, तब जो मतलब उठी मैं जब थोड़ी देर बाद जब पर रोने लग गई थी मम्मी आ गई थी, मम्मी ने लाइट खोली थी, तो मैं बहुत डर रखी थी। और मैं मतलब मेरी एकदम से बुखार बहुत तेज हुआ, मतलब जैसे मैं परू की रोनी शुरू हुई तो वैसे ही उसके 5-6 मिनट 1-2 मिनट बाद बहुत तेज बुखार हुआ था मेरा। और फिर उसके बाद जो है मतलब क्या कहते हैं फिर आज मतलब 2 दिन बाद मेरी तबीयत अब ठीक है। पहले मतलब कि मैं सो भी नहीं रही थी उस रूम में, आज फिर मम्मी पापा वाले रूम में मैं मतलब सो कभी कभार होता है मैं सो जाती हूँ, तो फिर आज मैं सोई थी। तो फिर तब कुछ नहीं हुआ था ऐसा, मतलब आज मेरी तबीयत बहुत ठीक थी। और तो फिर आज मंगलवार था मतलब कि ट्यूसडे, तो आज फिर पापा मेरे को मतलब पापा को मैंने बोला कि मेरे को लेकर चलो मंदिर, हनुमान मंदिर हमारे घर के पास में है जो,
क्योंकि उस वाले जो घर के पास वाला हनुमान मंदिर है उसमें तो मैं भी चली जाती हूँ अकेले, पर फिर उसके बाद जो है मतलब कि मेरी तबीयत आज ख़राब थी हल्की हल्की, मतलब आज हल्की थी, वैसे तो पहले तो बहुत ज़्यादा थी, तो फिर उसके इसलिए मम्मी मुझे जाने नहीं देती थी और पापा भी नहीं जाने देते, पापा मम्मा दोनों मना कर देते थे। तो फिर मैंने फिर आज जो है आज मैं जा रही, आज मैंने पापा के साथ प्लान बनाया था पहले, तो फिर मैं तो फिर उसके बाद गाइस मैं जो हूँ मतलब पापा के साथ जा रही थी, पारक तो ये भी शुरू हो गई, पारू भी शुरू हो गई कि मेरे को भी जाना है, तो फिर इसको भी लेकर चल गए। फिर इसको जब लेकर गए तब ये लड़की वो जो मतलब मंदिर से जब आ रहे थे तो हम गली के बाहर खड़े हो गए, तो ये जो है ये लड़की फैल गई वहाँ पे, और फिर मेरी हो गई भाई मौज, क्योंकि जब इसकी जब ये फैल गई तब मेरे को तो फिर पापा इसको लेकर गए दुकान पे, और फिर मेरी तबीयत ख़राब थी, तो आज पापा मुझे कुछ कह भी नहीं सकते थे कि मेरे को मना भी नहीं कर सकते थे कि मैं टॉय ना लूँ तो फिर मैंने भी अपने के लिए टॉय ले लिया। तो मैंने लिया है हुला हुप के, मतलब जो वो होते हैं, मैंने ये ब्लॉक्स ये वाले लिए हैं क्योंकि वो वाली ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होती है सवाल के रख नहीं पाते। बाकी क्रिसमस से तो मुझे वो चाहिए स्केट बोर्ड, अब पापा दिलाएंगे कि नहीं मुझे नहीं लगता पापा दिलाने वाले हैं मुझे स्केट बोर्ड, बाकी अभी देखते हैं। क्रिसमस में मुझे स्केट बोर्ड चाहिए, बस पापा दिला दे मुझे या मम्मी दिला दे, मम्मी और पापा में से दो में से कोई मेरे को मना कर रहे हैं, मतलब दोनों ने तो अभी तक मना कर रखा, बाकी देखते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फैमिली BX बोले तो बिलियंस ऑफ स्टार्स, एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को आज की राम राम, और बाकी सबका स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। अब बोल व्लॉग में। तो गाइस, मैं आज सुबह लवली मौसम के साथ में तैयार होकर के खड़ा हूँ आप लोगों के सामने। यस, मंगलवार शाम तक मेरे दोनों बच्चे कुछ हद तक ठीक हो गए थे और मुझे अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। कल शाम को मेरी खुशी का फ़ोन आया, एक्चुअल में कल डॉक्टर चेंज किया, दवाइयाँ चेंज हुई, तो बच्चों को आराम मिला, दोनों बच्चों जो हैं वो ठीक होने की कतार पे आ गए, पहली डोज में ही दोनों को आराम दिखाई देने लग पड़ा, तो मैं भी खुश था। और फिर खुशी ने कहा कि पापा मेरे को हनुमान मंदिर जाना है, और परू भी साथ चली, गली के बाहर ही हमारी पैदल गए थे हम लोग, तो फिर जी ये चौड़े हो गए दोनों के दोनों, ये दोनों नहीं सॉरी खुशी नहीं परू 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 ने क्या करा, क्या नाम है, नीचे जाके फैल गई कि पापा कई दिन हो गए मैं तो कहीं नहीं गई, मुझे बाहर लेकर चलो आज। तू तो बहुत बीमार थी ना, वो तो चल फिर भी कम बीमार थी। तो इसको भी फिर लेकर गया, इसको भी लेकर गया, फिर दोनों ने टॉयज भी लिए बाजार से, आप लोगों ने देखा, दिखाऊंगा आप लोगों को, इन दोनों ने शायद कुछ बनाया है, उसने अपना बीमारी में अपना एक्सपीरियंस भी बताया है कि क्या ऐसा रहा उसके साथ में, वो भी अब आपको नेक्स्ट क्लिप दिखाता हूँ। चलिए उससे पहले मैं काम पर निकल जाऊँ, क्योंकि काम पर जाना भी ज़रूरी है, दो तीन दिन से बड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, पता है मैंने एक भी वीडियो एडिट नहीं करी और कई वीडियोज़ पड़ी एडिट करने के लिए, तो क्या नाम है, चलिए पहले मैं निकलूँ काम पर अभी। तो गाइस, मैं आ गया हूँ हुंडई में, क्योंकि मेरी गाड़ी का इंडिकेटर जो है वो काम नहीं कर रहा है, देखिए नो इंडिकेटर वर्किंग, तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सोचा एक बार यहाँ आ जाऊँ, फ्यूज वगैरह कुछ होगा शायद। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को देखा आप लोगों ने कि मैं हुंडई के आउटलेट गया था और वहाँ मेरा काम नहीं बना, तो मैंने इनके सीधे रजिस्टर्ड ऑफिस में कंप्लेन डाल दी, और अब देखो एक नहीं दो नहीं तीन तीन बंदे उठ के यहाँ आए हैं, एक ये दो और एक पीछे छुप गए हैं मैनेजर साहब इनके। तो और गाड़ी लेकर जा रहे हैं, और वहाँ मुझे इन्होंने आधा घंटा नहीं दिया था, यहाँ मैंने इनके लिए 10 मिनट में चाय भी लेकर आ गया, देख रहे हो ये होती है सर्विस, क्या देता होगा हुंडई सर्विस। हेलो गाइस, मुझे बहुत ही इनके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं छोटी दिवाली पे भी इनसे मिली थी, शायद छोटी दिवाली थी। मुझे इनके व्लॉग्स बहुत ही पसंद है और बहुत ही ज़्यादा, मैं इनके फटाफट से 100K सब्सक्राइबर देखने जाती हूँ, गाइस फुल सपोर्ट करो। मैंने भी इनको देख के अपना यूट्यूब चैनल खोला है और उसमें अभी तक मतलब कमी है, मैं बहुत मुझे इनकी पसंद है वीडियो, आप भी इनकी वीडियोज़ को लाइक
करो, शेयर करो, फुल टू फुल सपोर्ट करो गाइस। मैं इनके 100 के सब्सक्राइबर देखना चाहती हूँ। थैंक यू। और मैं भी अपना बटन जल्दी देखना चाहता हूँ। सिल्वर प्ले बटन फटाफट आए, आप लोग फटाफट फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी मिलने आए हैं, ये शर्मिले मैं नहीं हूँ। चलिए गाइस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो फटाफट दबा दीजिए। तो गाइस ये देखिए पप्लू सिंह को, और पप्लू सिंह और परू सिंह दोनों खेलने वाले हैं। और ये पुडुंग पप्लू सिंह कैचिंग खेलेंगे। आ जाओ पप्लू सिंह, आपको देगा कैच करेगी पौ। जल्दी करो, जल्दी करो। ए ए अरे 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 वो भाई चला गया। ए ए ए ए ए ए पप्लू सिंह कैच सिंह। लाओ आज 5 दिन बाद नहाई है मेरी बच्ची। हाँ, और कमजोर देख रहे हो आप कितनी हो गई है। ये देखो नहीं। ये देखो नहीं हो गई, बहुत ज़्यादा बिल्कुल कमजोर हो गई एकदम। टम्मी तो इसकी खत्म ही हो गई हो बिल्कुल ही, जैसे है बेचारी बीमार पड़ गई थी। हैं, इतना बीमार हो गई थी, इतना बीमार। और आपको बढ़की हुई दिखाता हूँ अभी, आओ। ये देखो, ये इसकी भी टम्मी चली गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ये भी बेचारी कमजोर हो गई, इसकी तो शक्ल ही उतर गई एकदम, बिल्कुल ही बिल्कुल उतर गई है। आज मैंने इनकी शक्ल के लिए दोनों बहनों को रोटी खिलाने का सोचा था। ये भी रोटी नहीं खा रही, वो भी रोटी नहीं खा रही। मन नहीं करता। इसका भी फेवरेट आज चिकन बनवाया, इसका भी बनवाया। इसने तो तब भी मुंह नहीं लगाया, इसने थोड़ा सा खाया, एक रोटी खा ली है, एक रोटी से थोड़ी सी कम खाई है। और लेकिन लेग पीस पूरा खाती थी, वो भी पूरा नहीं खा पाई है, आधा टाइसन को दे दिया। कोई बात नहीं, अभी तो ठीक हो जाएगी, फिर खाना आराम से। अच्छा एक किच्ची तो कर दे पापा को। हाँ, क्या होता है पिच्ची, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मेरा कंगा ढूंढो पहले। कपकी कपी 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 जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। ए मेरे को पाऊ गलेगी किच्ची। ए जल्दी कर दे किच्ची, किच्ची कर दे किच्ची। हप कर दे, हप। ए किच्ची कर दे किच्ची, पिट्टी कर दे, पिट्टी पापा की पिट्टी कर दे। नहीं अच्छा परो परो, तेरे पोपो का है, तेरे पोपो का है। पोपो बता, पोपो सबको, पोपो का है तेरी, पोपो का है पोपो। पोपो चिख गई, पोपो है, पोपो चिख गई। मम्मी को कहती है नहीं रुको रुको, पर नोज का नोज गिर जाएगी लड़की। आईज का आईज। और पोपो का है पोपो। ये वाला हाथ करके दिखा रही है, ये नहीं पोपो। पर ईयर्स का ईयर्स। तो गाइस मैं घर आया हूँ, और घर आकर के क्या देखता हूँ पता है आप लोगों को? मेरी खुशी के पैरों में, इसमें दोनों में दर्द है, पिंडलियों में, यहाँ पर काफ में, ये दोनों में दर्द हो रहा है, मसल पुल हो गए। चलिए इसकी थोड़ी सी सेवा कर दूँ अपनी बेटी रानी की। लाओ तेल देना थोड़ा सा। अब तू हट के यहाँ बैठेगी, मैं थोड़ा दीदी के तेल लगा दूँ। यच तो तू भी यहाँ बैठ जा, यच यहाँ बैठ जा। अच्छे तो गाइस फाइनली घर आ गया हूँ, और आज का दिन बड़ा मज़ेदार गया। जैसा आप लोगों ने देखा, मेरी गाड़ी का इंडिकेटर का जो बटन होता है ना, जो लेफ़्ट राइट करते हैं, वो ख़राब हो गया है। फ्राइडे को गाड़ी देनी पड़ेगी, गाड़ी जाएगी फ्राइडे को। पार्ट मंगवाया है कंपनी वालों ने, कंपनी से।
तो हो जाएगी सेम डे में। अब देखिए कितनी गुस्सा आती है ना, आप लोगों को भी आती होगी कई बार, आप लोगों को कोई ट्रीटमेंट अच्छा ना मिले तो आपको भी आती होगी। मैंने सिर्फ एक फ़ोन किया, यहाँ आए गाड़ी देखने के लिए, अब लेकर भी यहीं से जाएंगे, छोड़कर भी यहीं से जाएंगे। मतलब देखो एक बार में होगा ना सीधे। इसीलिए मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ गया था, काम किया था उनका, कि हमें भी ये राइट टू फ्रीडम होना चाहिए। एक पीछे सपोर्ट हो जाती है ना तो आदमी थोड़ा चौड़ा और हो जाता है कि चल साले तुम जो मर्जी करो, फिर मैं पीछे से कंप्लेन कराऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा। चलिए गाइस कोई बात नहीं, आशा करते हैं आपको हमारा ये चटपटा दिन अच्छा लगा होगा। बच्चों के थोड़ा बहुत रिकवरी किया है, थोड़ा बहुत लिया है, आज मोर्चा शायद संभाला होगा, पता नहीं कुछ करा होगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ और आप लोगों से यहाँ इस व्लॉग की लेता हूँ विदा। बाय बाय। ए ए था बड़ा मज़ा आ रहा था। अरे भाई थोड़ा पानी बंद कर दो ना यार, बड़ा अच्छा लग रहा।